नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और युधिष्ठिर उपाध्याय। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ही भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। लगातार लोकतंत्र के मंदिर से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ देश की जनता के हित में तो है ही, साथ ही धोखाधड़ी करने वालों की कमर भी तोड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने आज से एक और नया कानून लागू कर दिया है। ये खास कानून देश की जनता को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने आज से उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कई प्रावधानों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है जो 20 जुलाई यानी कि आज से प्रभावी होगा। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं है। अगर गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, नए कानून के तहत एक बड़ी राहत ये मिल रही है कि ग्राहक अब यहाँ से शिकायत दाखिल कर सकेगा जहाँ वो रहता है, ना कि उसे वहां जाना जरूरी होगा जहां से कोई सामान खरीदा है। ये नया कानून 34 साल पुराने 1986 के कानून की जगह लेगा। खुद केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान इस बारे में ट्वीट करके सूचना दे चुके हैं। इस नए उपभोक्ता कानून को 9 अगस्त 2019 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से हरी झंडी मिल गई थी, जो अब 20 जुलाई से लागू होगा। नए प्रावधानों के तहत अगर कोई मैन्युफैक्चरर या सेलर एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट में डील करता है तो ग्राहक उसे कोर्ट में घसीट सकता है। वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत करके मुआवजे की मांग भी कर सकता है। कोर्ट की तरफ से ऐसे मैन्युफैक्चरर या सेलर पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। खासतौर से इस कानून में पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस मॉडल को भी शामिल किया गया है। आइए अब एक नजर नए उपभोक्ता संरक्षण कानून की विशेषताओं पर डालते हैं कि आखिर ये उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार देता है। ये कानून सबसे पहले ग्राहक को सुरक्षा का अधिकार देता है। इसके तहत ग्राहक को किसी गुड्स या सर्विस की मार्केटिंग से जीवन या प्रॉपर्टी के नुकसान से बचाया जाता है। इसके अलावा ये कानून सूचना का भी अधिकार देता है। ग्राहक को पूरा अधिकार है कि उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मात्रा, शुद्धता, कीमत आदि के बारे में सही जानकारी दी जाए। अगर बात करें अगले अधिकार की तो ये कानून ग्राहक को छांटने का अधिकार देता है। इसके तहत ग्राहक को गुड्स और सर्विसेज की कई वैरायटी उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपने अनुकूल गुड्स या सर्विस को छांट सके। साथ ही ये कानून सुने जाने का अधिकार भी देता है, यानी कि ग्राहक को सुने जाने का पूरा अधिकार है। उसे किसी तरह की दिक्कत होने पर फोरम में उसकी शिकायत को सुना जाएगा। कंज्यूमर फोरम में 1,00,000 रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। इसके अलावा किसी भी गलत प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत करने का भी ग्राहक को अधिकार है ताकि उसका शोषण ना हो। इस कानून में कंज्यूमर एजुकेशन का भी अधिकार है, यानी कि एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी पूरी जानकारी रखने वाला ग्राहक रखेगा जिससे वो शोषण से बचा रहेगा। नए कानूनों में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। तो ये है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के अधिकार और विशेषताएं जो ग्राहक के लिए काफी अहम है, साथ ही इससे धोखाधड़ी पर भी लगाम लगेगी। दरअसल ये नया कानून काफी समय पहले तैयार हो चुका है। हालांकि इस कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था लेकिन कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था, मगर आज से इस कानून को लागू कर दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।